न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पीतल नगरी रेवाड़ी में आज पहली बार वैलेंटाइन डे के मौके पर युवाओं ने बजाय प्यार का इजहार करने के शहीदों को नमन किया। सोशल मीडिया पर भी दिन भर युवाओं की ओर से शहीदों से संबंधित संदेश ही छाए रहे। इसी के चलते श्याम ढलने के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शहर के बाजारों में मशाल जुलूस और तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और व्यापार मंडल सहित अनेक सामाजिक संगठनों के अलावा युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा देश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर शहीदों के जिंदाबाद संबंधी जोरदार नारे भी लगाए। शहर की नई अनाज मंडी से शुरू हुई यह यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई रेलवे चौक पर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बीते साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश के वीर सपूतों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार को चाहिए कि आतंकी गतिविधियों की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाए ताकि देश का हर नागरिक अमन और चैन से जी सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है जो एक साल पहले पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था, जवानों की अमर रहे, और इसलिए हम ये सभी संस्थाएं मिलके और उनके लिए किया जा रहा है। निकाल रहे हैं हमारे जो पुलवामा में अमित शहीद हमें हुए थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। क्या डे है, हम इसे ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन पुलवामा में हमारे वीरों ने शहीदी पाई थी, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक मशाल रैली के रूप में निकाल रहे हैं। देखिए पुलवामा के शहीद जो एक साल पहले जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, उन वीरों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है मशाल यात्रा का। और सभी से यही है कि राष्ट्र के प्रति इतना जज्बा रखें, इतना प्रेम रखें कि जब भी कभी आवश्यकता हो तो तन मन धन से राष्ट्र के लिए समर्पित। कौन कौन संगठन इसमें शामिल है आज की तिरंगा यात्रा में? इसमें लगभग सभी राष्ट्रवादी और इसमें विश्व हिंदू परिषद है और व्यापार मंडल है, कई अनाज मंडी ब्लड डोनर ग्रुप है और हिंदू रक्षा वाहिनी है, बजरंग दल है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली जाएगी? ये यात्रा अनाज मंडी से शुरू हुई है और शहर के बाजारों में से निकलते हुए आपके यहाँ अग्रसेन चौक और पुरानी सब्जी मंडी से निकलते हुए और मक्खनलाल की तरफ।